कश्मीर मियत में जहर घोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साहस है तो मणिपुर पे फिल्म बनाओ, फिल्म बनाओ। साहस है तो मणिपुर पे फिल्म बनाओ, फिल्म बनाओ। साहस है तो मणिपुर पे फिल्म बनाओ, फिल्म बनाओ। फिल्म जगत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गोदी फिल्म जगत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कश्मीर में फिल्म बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीरियत भाईचारे में सेंध लगाना बंद करो, बंद करो। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा यहाँ फंक्शन है, देखिए एक बार फिर कश्मीर को बेचना शुरू किया जा रहा है। कश्मीरियत में आपसी भाईचारे में जहर घोलने का काम किया जा रहा है और वो कोई और नहीं, वही कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल बनाई थी। अब वो द कश्मीर फाइल 2 लेकर आए हैं, यानी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड, जिसके अंदर एक बार फिर कश्मीर में जो है हमें डर सता रहा है कि फिर वहाँ पर कश्मीर के अंदर आग भड़केगी, एक बार फिर वहाँ पर लक्षित हत्याएँ जो है जोर पकड़ेंगी। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी साजिशें हैं जो कश्मीर को शांति बहाली की तरफ बढ़ते हुए देखना उनको गवारा नहीं हो रहा। मैं विवेक अग्निहोत्री से, गोदी जो है जगत फिल्म जगत से, जो गोदी फिल्म जगत पिछले कुछ सालों में जो सक्रिय हुआ है, जो बार बार कश्मीर को दिखा रहा है, उनसे उनको चेतावनी देता हूँ, उनको ललकारता हूँ कि अगर उनके अंदर साहस है तो मणिपुर फाइल पर फिल्म बनाकर दिखाएँ। वो मणिपुर जहाँ पर एक कारगिल के एक योद्धा की धर्मपत्नी को, महिलाओं को वहाँ पर निवस्त्र कर घुमाया जाता है, वह मणिपुर जहाँ पर 10,000 लोगों के घरों को जो है जला दिया जाता है, वह मणिपुर जहाँ 60,000 के लोग ज़्यादा लोग वहाँ पर जो है विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपने ही देश में और अपने ही राज्य में, और वह मणिपुर जहाँ पर जो है पिछले 3 महीने से वहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर, मगर उसको लेकर विवेक अग्निहोत्री और तमाम फिल्म जगत जो है खामोश है और मात्र कश्मीर के अंदर जो है वो अपनी रोटियां सेकने, पैसा बनाने के अंदर जुटे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, द कश्मीर फाइल से जो लगभग 300 करोड़ की कमाई की गई, क्या उसको कश्मीर, जिनको कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो ये फिल्म बेची गई, क्या उनकी कभी इन्होंने सूद ली है? नहीं ली। तो हम बिल्कुल इनको चेतावनी देते हैं कि कश्मीर पर इस तरह की फिल्म बनानी बंद की जाए, कश्मीरियत को बेचना जो है कश्मीरियत में जहर घोलना बंद करें।